ठोक रहा है कि स्नो देख लो भयंकर हिस्ट्री में पहली बार ओए मेरे जूते में बर्फ घुस गया ओए ओए दासियो देखिए आप यहाँ पे स्नो गिरा हुआ है ये अब भी है देखो यहाँ पे आइस अभी अपन लोग आ चुके हैं न्यू रोड पे एंड यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है मतलब पेड़ों के पत्ते गिरे हुए हैं एंड ठंडा ठंडा माहौल हो रखा है बहुत ज्यादा एंड आइस अपने को कहीं भी देखने में ओए सामने वाले पहाड़ पे पूरा स्नोफॉल हो रखा है बहुत खतरनाक वाला तो चले क्या वहीं पे चले चल कल वहीं पे चलते तो गाइस कल का प्लान फिक्स हो गया है अपन लोग वहाँ जा रहे हैं स्नोफॉल और ये तो यहीं पे नजदीकी है यार ज्यादा नहीं 2 या 3 घंटा लगेगा शायद यहाँ पे जाने में ये देखिए आप यहाँ पे स्नो गिरा हुआ है ये अब भी है ये देखो यहाँ पे आइस तो यहाँ मतलब यार कितनी ज्यादा क्वांटिटी में आइस गिरा है यार और मतलब पूरा कवर हो गया था जब मतलब बंदे पता नहीं छतों पे से वीडियो बना के डाल रहे हैं फेसबुक पे तो ये पूरा कवर ऑलमोस्ट पूरा कवर हो चुका था पूरा एकदम अभी भी साइड साइड में हम देखते हैं ये देखो आप यहाँ पे ये साइड में ये गिरा हुआ है ये आपको पूरा स्नो देखने को मिल रहा है यहाँ पे ये तो पोखरा में भी गाइस स्नो के मजे मिल रहे हैं ये देखो आप ये कितना पड़ा हुआ है यार यहाँ पे भाई साहब अभी भी स्नोमैन बन सकता है इतना स्नो पड़ा हुआ है यहाँ पे तो गाइस अब हिस्ट्री में पहली बार पोखरा में भी मतलब स्नो कह सकते हैं लाइक स्नोफॉल तो नहीं कह सकते ये ओले हैं ये तो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं तो एक हिसाब से देखा ये देखो कितना स्नो गिरा हुआ है यार अभी भी भाई साहब ये देखो बीच बीच में भाई साहब ओए हो पोखरा में स्नोफॉल गाइस पोखरा में स्नोफॉल तो ओए ये देखो यार यहाँ पे कितना है भाई ये सीन है यार ये देखो कितना स्नो गिरा हुआ है यार यहाँ पे भाई साहब तो ये गाइस पोखरा का न्यू रोड है एंड आप देख सकते हो न्यू रोड पे भाई साहब कितना स्नो ले मैंने कुचल दिया स्नो से बाप रे बाप कितना स्नो गिरा यार मैंने तो आज पहली बार देखा है इतना जब पोखरा में बचपन से यहाँ तक पूरा जिंदगी गुजारती है स्नो पहली बार देख रहा हूँ इतना मेरे पोखरा में ये सब स्नो गिरा हुआ है आप देखो नीचे भाई साहब निकाल लूँ क्या यहीं से ये मैंने स्नो पे चढ़ा दी अपनी बाइक जाम क्यों लगा हुआ है यार आगे आगे बहुत स्नो होगा शायद इसीलिए ट्रैफिक लगा हुआ है गिरा हुआ है देखो यार गाइस मतलब अब आप समझ सकते हो 2-2 फुट तक की स्नो थी तो अब ये पिघल के इतनी रह गई है एंड हम फिर भी टाइम पे आ गए हैं यहाँ पे अपने को देखने को मिल गया ये देखो भाई साहब हाँ जब तो बहुत ज़्यादा स्नो था भाई जब ये पड़ रहा था ना अब ओए बीच में देखना बीच में कितना है भाई साहब ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री है यार ये पोखरा में इतना स्नो देखने को मिला अपने को भाई हम तो लाइक सीरियसली बताओ ना जब ये तांतिंग में स्नो पड़ रहा था ना तो मैं तो दुआ मांग रहा था मैंने कहा पोखरा में भी अगर इतना स्नो पड़ जाता तो यार मज़ा ही आ जाता तो पड़ ही गया यार कसम से आज जिंदगी में पहली बार इतना स्नो देख रहा हूँ पोखरा में अपने को तो लाइफ हो गया निकलते हुए ओहे अभी हम ब्लैक स्नो पे चल रहे हैं बट भाई ये फिसल रहा है वो नीचे देखना कितना स्लिपरी है यार ये बहुत स्लिपरी है बट अपना तो डर्ट टायर है फिसलेगा नहीं अच्छा गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं यहाँ पे कालिन चौक लाइट तो ओए लंबे देख तो सुनो यार नहीं नहीं ये इसमें ऑफ रोड टायर है स्लाइड नहीं होगा बट हो भी सकता है पता कुछ नहीं है भाई साहब ब्रेक मारना ही नहीं है ब्रेक रिस्क लेने का ही नहीं है अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का भाई फर्स्ट
वो देख ना वहाँ पे, वो देख, ओ शेर कितना है यार। ये देखे थे यहाँ पे ये स्नोमैन बन रहा है, स्नोमैन बनाया जा रहा है यहाँ पे। सो गाइस ये सीन देखो यार, ये पोखरा का न्यू रोड है कसम से मैं, सीरियसली यार। यार इतना ट्रैफिक भी नहीं देखा मैंने आज तक, ये सब स्नो ही देखने आए शायद। पोखरा में पहली बार इतना स्नो गिरा ना, तो इसीलिए सब यहीं पे आ गए। और यार ये देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे भयंकर। सो गाइस फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इतना ज़्यादा स्नो है यार पोखरा में। ओए वाह क्या फील है। ये देखो कितना स्नो है यार। अरे यहाँ से निकलते निकलते एक दो घंटा लग जाएगा भाई। ओ देखो मजे आ रहे हैं वहाँ पे, देख स्नो खेल रहे हैं वहाँ पे, देखना भाई। भाई इंजन पे ये ठंडा पानी लग रहा ना, तो मतलब वो फिसल गया। आए ब्रदर स्लो यार, पीछे भी बंदे हैं ध्यान से। अपन ने भी नहीं देखा भयंकर। ये देखो भाई साहब, यकीन नहीं किया जा रहा कि ये पोखरा है कि नहीं। अरे हम इधर और आ गए भाई, अभी फिसल गए थे हम लोग, वो तो भाई बैलेंस कर लिया अपन लोगों ने, नहीं तो यार बहुत बहुत स्लिपरी। ओ देखो फिसलते जा रहे हैं सब। और ये सब सही बताओ ना, तो आधे से ज़्यादा टिकटॉक बनाने आए हैं यहाँ पे, एंड आधे से ज़्यादा स्नो देखने आए पोखरा में। चलो चचा जल्दी चलो अपने को भी स्नो देखने का है। ओए देख तो यार, आगे मामा जी भी मिलेगा पेट मारने के लिए। ये देख भयंकर, ओए होए 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 क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ओ भाई वो देखो 4x4 उसको देखना भयंकर मजे ले रहा है। 4x4 ले गए, वाह क्या टायर है, ये तो स्लिप भी नहीं होगा भयंकर, इतना बड़ा टायर है इसका। वाह क्या सीन है, वाह क्या भीड़ है भाई, सीन नहीं है क्या भीड़ है। हमारा ट्रिप तो एकदम सर, ये मिशन सक्सेसफुल हो गया भाई, मिशन टिश्यू सक्सेसफुल। भाई ये देख 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 देख, ये गिरेगा पक्का गिरेगा। ये भयंकर इनको पता नहीं क्या चूल मची पड़ी है इनको, ये क्या चूल मची हुई है, देखो भयंकर। इसको बोलते हैं डेरिंग भाई, ये वो है, ये क्या वो वकार जगह के शो में जाने लायक आदमी है ये। सिलेक्शन हो गई आपकी भाई, हम पहले बंदे दिख रहे हैं यहाँ पे जो डट बैग लेके घुसा हुआ है यहाँ पे। दस्यो ओ धस गया। सही ब्लैक हो चुका है बट कोई मसला नहीं है। देख लो भयंकर पोखरा की स्नो, देख लो भयंकर हिस्ट्री में पहली बार। अरे मत मार भाई। तो ये देखो यार क्या फील है, यहाँ देखो मतलब कितना भरा पड़ा है यार भयंकर। गाड़ियाँ भी धस रही हैं एकदम, गाड़ियों को भी मुश्किल हो रहा है निकलना यहाँ से। अब ये क्या सीन है भाई, मैं फंस गया यहाँ मैं फंस गया। धकल देना उस स्कूटी समझ देना यार। भाई साहब भाई मैं लटक गया यहाँ पे भाई, ये क्या है यार, ठंडा बिक गया मेरा पैर, बिक गया भाई साहब। भाई ये गलत फंस गया मैं यहाँ पे भाई साहब, कितनी बर्फ है यार, और ये इतना स्किड कर रहे हैं क्या बताऊं मैं। ओए शेर, ओए होए होए, अगर यहाँ पे फिसला ना मैं गया अगर मैं फिसला यहाँ पे, मैं गया भाई।
कितनी बर्फ है। उए, यहाँ ध्यान से चलना पड़ेगा भाई साहब, मेरे तो पैर भी नहीं पहुँच रहे इसमें, एंड मेरे जूते में बर्फ घुस गया भाई, यहाँ मैं फंस गया। अरे ये क्या है ये भाई, कितनी बर्फ है यहाँ पे। यहाँ पे तो साफ भी नहीं कर रखी बर्फ किसी ने, वहाँ पे तो साफ कर भी दी थी, यहाँ पे बर्फ साफ नहीं है। एंड मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है, कसम से बहुत डर लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ओए मेरे जूते में बर्फ़ घुस गया, ओए ओए मेरे पैर में बर्फ़ लग चुका है, एंड इतना ठंडा लग रहा है ना मेरे को, बस क्या बताऊँ। वो तो उतर के चला गया लंबू पीछे से, और मैं अकेला चल रहा हूँ यहाँ पे। लंबू कहाँ से लग गया। होप गाइस आप सबको बहुत बेहतरीन लगा होगा ये वाला वीडियो, मतलब फर्स्ट टाइम इन पोखरा हमने एक्सपीरियंस किया स्नो, एंड इतना तो यार पहली बार ही सच में एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो भाई साहब क्या मज़ा है। एंड आई डोंट नो रात में क्या विजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो अब मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग को एंड। सो गाइज तो आज हमने भी मज़े किए, आप सबको भी मज़े कराए, तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो करता हूँ मैं इस वीडियो को यहीं पर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।